रीड कर लिए क्वेश्चन, स्टार्ट करें। चलो, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ ज़ायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, और एम और आर उसका मास और रेडियस है। रेडियस ऑफ ज़ायरेशन ऑफ थिन हॉलो स्फीयर अगेन स्फेरिकल शेल, सेम मास और सेम रेडियस का है, रेशियो कितना होगा? देखो, स्फीयर के लिए मैं बात करूं अगर, तो सॉलिड स्फीयर के लिए सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ ज़ायरेशन जो है वो कम होता है, हॉलो स्फीयर का ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालूं, एम के स्क्वायर किसका, सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए अगर निकाला जाए तो कितना होगा, 2/5 एम आर स्क्वायर, और हॉलो स्फीयर के लिए एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3, हॉलो स्फीयर का ज्यादा होता है, एम आर स्क्वायर। तो सॉलिड डिवाइडेड बाय हॉलो करना है, सॉलिड स्फीयर डिवाइडेड बाय हॉलो स्फीयर, तो एम के सॉलिड, सॉलिड स्फीयर एम के हॉलो, यहां डब्ल्यू लिख दिया मैंने, स्फीयर ना होना चाहिए, ठीक है, चलो हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2/3 एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर क्या, 2 से 2 कटा, ठीक है, यानी ये 3/5 आएगा, ये एम से एम कटा, सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ ज़ायरेशन, हॉलो स्फीयर का रेडियस ऑफ ज़ायरेशन इज इक्वल टू 3/5, और ये हो जाएगा √3/5, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है तो ऑब्वियस बात है जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, 3/5 रूट, ठीक है। अगर स्क्वायर होता रेडियस ज़ायरेशन का स्क्वायर तब तो ये आंसर सही होता, रेडियस ज़ायरेशन का स्क्वायर, तो ये आंसर मोस्ट प्रोबेबली ये सही होना चाहिए, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।